नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मंडला आयुक्त के दौरे की। मंडला आयुक्त आगरा मंडल 12 अक्टूबर को जनपद भ्रमण पर पधारे, जिन्होंने क्या क्या किया, आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें आकाश में निरीक्षण की तस्वीरें हैं। हालांकि इसको आकाश में निरीक्षण नहीं कह सकते क्योंकि पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम था, लेकिन जिला अस्पताल में पहुंचने का कार्यक्रम शायद आकस्मिक था। बता दें कि आगरा मंडल आयुक्त आगरा रेंज श्रुति महेश्वरी 12 अक्टूबर के दिन जनपद भ्रमण पर पहुंची थी, जो सबसे पहले जिला अस्पताल में महिला स्वसहाय अस्पताल पहुंची। यहां की तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं मंडल आयुक्त के पहुँचते ही जिला अस्पताल के अधीक्षक मदन लाल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव राय के साथ स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से उनका स्वागत सम्मान सत्कार किया गया। मुख्य द्वार पर ही गाड़ी से उतरते भूखे भेंट कर उनका सम्मान किया गया, जिसके बाद जिला अस्पताल के महिला स्वास्थ्य अस्पताल पहुंची। यहां उन्होंने सबसे पहले जहां से दवाइयों का वितरण हो रहा था वहाँ का निरीक्षण किया, जो आप भी देख सकते हैं। आपके सामने वो तस्वीरें हैं। साथ ही जिला अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, अपर जिला अधिकारी रामजी मिश्र समेत क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार, उप जिला अधिकारी सदर की मौजूदगी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्होंने बारी बारी से स्वसहाय अस्पताल के तमाम विभागों का निरीक्षण किया। करीब एक घंटे तक उनका निरीक्षण यहां जारी रहा, जिसके बाद में जिला अस्पताल के आपातकालीन विभाग पहुँची और यहाँ के बाद उन्होंने ओपीडी समेत अस्पताल के सभी वार्डो का निरीक्षण किया है। वही बता दे कि उनके अपने पहले से तय भ्रमण के दौरान उन्होंने उनकी प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा भी की और तहसील का निरीक्षण भी किया है। साथ ही वो आश्रय स्थल होते हुए गांव का भ्रमण करने पहुंची। यहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद भी किया है।